अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वर्क परमिट के हवाले से छोटी सी वीडियो है जिसमें वर्क परमिट के हवाले से सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, स्पेशली पाकिस्तानियों के हवाले से कि किन लोगों के अभी वर्क परमिट लग रहे हैं और किन लोगों के वर्क परमिट नहीं लग रहे। तो अभी रमज़ान का मंथ स्टार्ट है और मार्च का समय के एंड हो चुका है, तो इसमें अभी क्या सिचुएशन है वो सारी की सारी चीज़ें आप दोस्तों के साथ जो शेयर करूँगा। तो जो भाई भी फ्यूचर में दुबई में आने का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो स्किल्ड हैं या फिर अनस्किल्ड हैं, वो इस शॉर्ट सी वीडियो को लाजमी देखें। और आप जो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर में भी, अगर आप जो इस टाइप की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ऐसे मेरे भाई जिनके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, वो स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं। तो आप दोस्तों को बताता चलूँ कि अगर आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर तरीके से टेस्टेड करवाए हैं तो आपका वीज़ा लग जाएगा। तो आपको जो है यूए से भी टेस्ट करवाना पड़ते हैं और मोफा से भी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी आपको इसको टेस्ट करवाना पड़ता है। तो अगर कोई कंपनी आपको हायर करती है और ठीक है, अगर आपका तलब पाकिस्तान में है और उस कंपनी में देखें आपकी कंट्री का कोटा मौजूद है तो आपको ठीक है वीज़ा मिल जाएगा, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ऐसे लोग जो कि अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं और जिनकी एजुकेशन कम अज़ कम मैट्रिक तक है, तो उनका वीज़ा अभी तक नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से मैंने ऐसे दोस्त देखे हैं जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो कि स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं और ठीक है वो विजिट वीज़े पर आए हुए हैं, तो उनको यहाँ पर अगर जॉब मिल भी जाती है ना तो उनका वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें, स्पेशली जिनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम है। पहली बात तो यह कि वो विजिट वीज़े पर अभी ना आए जब तक आपको ठीक है बिल्कुल 100% सिचुएशन का आइडिया नहीं हो जाता। हाँ, जो अनस्किल्ड कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए ठीक है एक और अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो फ्री जोन से वीज़ा ले सकते हैं। बहुत से लोगों के ठीक है फ्री जोन के वीज़े लग रहे हैं, आप जो है वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो है फ्री जोन से वीज़ा लग सकता है। बाकी ये शॉर्ट सी वीडियो आप दोस्तों को सिर्फ अपडेट देने के लिए बनाई थी। होपफुली ईद के बाद कोई आपको ठीक है अच्छी खबर सुनने को मिले, जिन भाइयों के भी वीज़े नहीं लग रहे ठीक है उनके लग जाएं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि विजिट वीज़े पर आए हैं और वीज़ा भी ख़त्म हो चुका है और ठीक है अभी वो जाने की तैयारी में बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी का भी वीज़ा नहीं लग रहा मोस्टली। रमज़ान में आप दोस्तों को पता है कि यहाँ पर एक तो टाइमिंग शार्ट होती है और इस मंथ में ठीक है जॉब की उतनी ज़्यादा वैकेंसीज भी नहीं निकलती जो कि नॉर्मल मंथ में निकलती हैं। तो जो लोग भी इस मंथ में आते हैं उनके ठीक है बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि उनको जॉब मिले, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं। अगर किसी ने हायर भी करना होता है तो वो यही सोचता है कि रमज़ान के बाद ही ठीक है हम किसी को हायर करेंगे। बाकी ये वीडियो सिर्फ आपको वर्क परमिट के हवाले से अपडेट देने के लिए बनाई थी। होपफुली ये शॉर्ट सी वीडियो से आपको लेटेस्ट अपडेट मिल गई होगी। इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप जो हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।